हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो फर्जी वेब सीरीज जो है रिलीज हो चुकी है, जो कि आपको अमेजोन प्राइम पे देखने को मिलेगी। मैंने ये चैनल इसीलिए बनाया ताकि मैं मूवीज भी और वेब सीरीज का रिव्यू दे सकूं, क्योंकि मैं बहुत सारी मूवीज देखता हूं और जैसा कि जो मुझे अच्छी लगती है मूवी, मैं उनके बारे में आपको सजेस्ट करूँ या फिर आपको रिकमेंड करूँ कि देखने के लिए। तो फर्जी वेब सीरीज जो रिलीज हो चुकी है और जो कि राज एंड डीके ने बनाई है, जिसने फैमिली मैन भी बनाई थी, और मैंने इसको कल देखा था। और 8 एपिसोड की ये वेब सीरीज है और इसका रिव्यू शुरू करते हैं। सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को। आपको मैं एक बात बताना चाहता हूँ, इसके अंदर जो इसके एपिसोड है कुछ 55 मिनट्स के हैं, कुछ 40 मिनट के हैं, कुछ जो क्लाइमैक्स है, जो लास्ट एपिसोड है वो 1 घंटे का है। तो आप लेकिन ये बोर नहीं करती है, बहुत ही अच्छी उन्होंने डायरेक्शन वगैरह की है, सिनेमाटोग्राफी बहुत अच्छी है, कैमरा वर्क DOP का बहुत बढ़िया है। और अगर कास्ट के बारे में बात करें तो इसमें शाहिद कपूर, विजय सेतुपति, के मेनन, जाकिर हुसैन और भी बहुत सारे, अमोल पालेकर जैसे आर्टिस्ट इसके अंदर हैं, और राशि खन्ना जो कि फीमेल लीड में है। बहुत ही बढ़िया वेब सीरीज है। विजय सेतुपति जब भी सीन में आते हैं तो बहुत ही अच्छा लगता है उनको देख के। वेब सीरीज वही है कि शाहिद कपूर जो होता है गरीब गरीब बैकग्राउंड से होता है, तो पैसे वैसे की दिक्कत होती है, और वो फिर ऐसे वो आर्टिस्ट होता है जो कि पेंटिंग वगैरह कॉपी करके बहुत हूबहू बना देता है। तो वो ऐसे ही कुछ कंडीशंस उनकी कुछ ऐसे लाइफ में होता है, तो वो नकली नोट छापने लग जाते हैं। ऐसी ही हमने वेब सीरीज बहुत सारी देखी है। द मैन ऑफ एक्शन एक स्पेनिश मूवी है, उसमें भी वो एक प्रिंटिंग प्रेस में काम करता है, वो भी ऐसे ही नोट छापता है, वो भी रियल लाइफ स्टोरी थी। तो कुछ नया नहीं था इस वेब सीरीज में, लेकिन जो इन्होंने जैसे इन्होंने बनाया है, जैसे एग्जीक्यूट किया है सब कुछ चीज़ें, आपको अच्छा लगता है देख के। विजय सेतुपति और जाकिर हुसैन जो कि मिनिस्टर बने हुए हैं, उनकी उनके जब भी सीन आते हैं बहुत ही बढ़िया लगता है, उनकी नोकझोंक आपस में रहती है जो। और वेब सीरीज़ को देखने मतलब वन टाइम वॉच है, आप देख सकते हैं। दूसरी बात, इसको फैमिली मैन के साथ इसका क्रॉसओवर किया गया है। चेलम सर जो हमारे खबरी थे फैमिली मैन में, उनका भी एक गेस्ट अपीरियंस है। मनोज वाजपेयी जो है उनका गेस्ट अपीरियंस है, लेकिन वो सिर्फ ऑडियो में है। कॉल विजय सेतुपति का जो कैरेक्टर होता है माइकल, वो उनको कॉल करता है कुछ हेल्प के लिए। तो जैसा क्रॉसओवर दिखाया गया है उसके अकॉर्डिंग तो राज एंड डीके ने भी अपना एक सिनेमेटिक यूनिवर्स शुरू कर दिया, लेकिन मेरे को इसकी कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं मिली है। और हो सकता है आगे, अभी जैसे इन्होंने एक क्लिफ हैंगर छोड़ा है लास्ट में, फर्जी का सीजन 2 भी आएगा, जो कि ऑब्वियस है, हर हर वेब सीरीज़ के बाद एक क्लिफ हैंगर छोड़ दिया जाता है, जिससे कि आगे आगे इन अगर वेब सीरीज अच्छी रही तो वो सीजन 2 पे भी काम करते हैं। एक जो ग्राफ है स्टोरी का, स्टार्टिंग में वो नकली नोट बनाते हैं, थोड़ा सा स्ट्रगल रहता है लाइफ के इसमें, ड्रामा बीच में, फिर वो एकदम स्लो हो जाता है, ड्रामा ही बहुत ज़्यादा हो जाता है। और लास्ट के 2 एपिसोड में ही जो सीरीज़ का जैसे ट्रेलर में भी दिखाया था कि फर्जी नोट हैं और उनको पकड़ने के लिए एक टीम काम कर रही है, तो लास्ट के 2 एपिसोड में बहुत ज़्यादा फास्ट पेस चलता है, जो कि दिखाते हैं कि भाई क्या होता है। बट बाकी बीच के जो है एपिसोड्स लंबे हैं, थोड़ा सा स्लो हो जाता है, लेकिन बोर नहीं करते हैं। सबसे मेन बात यही होती है कि आपको एक वेब सीरीज चल रही है तो उसमें बोर हो जाते हैं। आपको जो भी दिखाया गया है सिनेमेटिक, आपको व्यू भी बहुत अच्छा मिलेगा, काफ़ी बढ़िया बढ़िया शॉट्स लिए हुए हैं। DOP का भी काम बहुत बढ़िया है, राजन डीके की डायरेक्शन दिखती है, जो कि फैमिली मैन जैसा ही आपको, क्योंकि लोकेशंस काफ़ी फैमिली मैन वाली ही यूज़ करी हुई हैं, और आपको बहुत इंटरेस्ट आता है और मज़ा भी आता है देखने में। और कुछ कुछ चीज़ें यूनिक भी हैं, जैसे विजय सेतुपति का कैरेक्टर बहुत ही स्वीट है वो देखने में भी, और उनके डायलॉग्स भी ऐसे लिखे हुए हैं कि मतलब मज़ा आता है देखने में। उनकी हिंदी, वो क्योंकि वो साउथ के एक्टर हैं तो वो हिंदी थोड़ा सा उनका प्रॉब्लम है, लेकिन वो अच्छी लगती है, वो चुभती भी नहीं है कहीं पर भी। तो मेरा यही रिव्यू है गाइस, देख सकते हैं एक बार आप, मतलब अच्छी चीज़ें बहुत कम बनती है एक तो बॉलीवुड में आजकल, लेकिन ये एक वेब सीरीज़ आई है फर्जी, बहुत बढ़िया वेब सीरीज़ है, ऑब्वियसली आप देख सकते हैं। और आप भी देख के आप कमेंट करके बताएं कि आपके क्या ओपिनियन है, तो डिस्कस करते हैं। और भी इसके बाद जो भी मूवीज़ आएंगी मैं उनके भी रिव्यू डालूंगा और आपको रिकमेंडेशन भी डालूंगा, आप शॉर्ट्स में देख सकते हैं। मैं बहुत सारी मूवी देखता हूँ, आप मेरे को कमेंट करके बताएं कि आपको सस्पेंस थ्रिलर देखना है, स्पाई देखना है, जैसे भी जिस कैटेगरी की भी मूवी के आप सजेशन चाहते हैं, मैं आपको कमेंट करके बताऊंगा। तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए गाइज और शेयर जरूर करिएगा।